धन्यवाद, आपने मुझे सप्लीमेंट की अनुमति दी। भारत सरकार के मुताबिक देश में रिकॉर्ड एफडीआई आ रही है और हमारा देश दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोथ क्वेश्चन बन रहा है। डॉक्टर मित्तल, योर क्वेश्चन। तो ऐसे में मैं मंत्री माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि पिछले 8 वर्षों में देश में सरकारी अदायरों में, सरकारी सरकार में और प्राइवेट सेक्टर में कितनी नौकरियां पैदा हुई। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, देश में रोजगार के सर्वे के लिए 3 माध्यम उपलब्ध हैं। सबसे पहले देश के सामान्य क्षेत्र में रोजगार के लिए पीरियडिक लेबर सर्वे है। पीरियडिक लेबर सर्वे जो है हर तिमाही माह में होता है। उसके जो डाटा है मैंने उत्तर में प्रस्तुत किए हैं। जो डाटा ये बताता है कि 2018-19, 19-20 और 20-21 में जो बेरोजगारी प्रतिशत 5.8, उसके बाद 4.2, 4.8 और 4.2 हुई है, जो ये दर्शाता है कि देश में बेरोजगारी दर में कमी आ रही है। दूसरा जो है भारत सरकार के लेबर ब्यूरो के द्वारा, जिसका मुख्यालय चंडीगढ़ में है, अब हम 2 सर्वे करते हैं, एक इंस्टीट्यूशन बेस्ड सर्वे और एक एरिया बेस्ड सर्वे। इंस्टीट्यूशन बेस्ड सर्वे की रिपोर्ट आनी प्रारंभ हो गई है और इंस्टीट्यूशन बेस्ड सर्वे की भी तिमाही रिपोर्ट आई है। वो ये बताता है कि एग्रीकल्चर के अलावा जो 9 क्षेत्र हैं, जिसमें हॉस्पिटलिटी आता है, एजुकेशन आता है, ट्रांसपोर्ट आता है, मैन्युफैक्चरिंग आता है, ऐसे 9 क्षेत्रों में जो रोजगारों का सृजन हुआ है उस रिपोर्ट के अंतर्गत उपलब्ध है। तीसरा, जो रजिस्टर्ड संस्थान है उनका जो रोजगार है वो पीएफओ के माध्यम से, जो प्रोविडेंट फंड में रजिस्ट्रेशन है उसके माध्यम से आता है, वो भी ये दर्शा रहा है कि देश में लगातार प्रोविडेंट फंड में रजिस्ट्रेशन में वृद्धि हो रही है। सप्लीमेंट्री नंबर 2। धन्यवाद। सरकार द्वारा किए गए ऑल इंडिया फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो के मुताबिक महिलाओं का पार्टिसिपेशन जो कि 1999 में 40% था, वो अब कम होकर 25% रह गया है। मतलब हमारे देश की महिलाओं की स्थिति पहले से ज़्यादा दयनीय होती जा रही है। क्या ऐसी स्थिति में सरकार महिलाओं के लिए अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जैसी कोई योजना लाने का विचार कर रही है ताकि हम अपनी महिलाओं को आत्मनिर्भर बना सके? शहरी क्षेत्रों में रोजगार की दृष्टि से सरकार के द्वारा अनेक योजनाओं का को अनुपालन किया जाता है और सबसे ज़्यादा जो प्रधान मुद्रा योजना है उसके अंतर्गत ज़्यादातर लोन महिलाओं को ही मिले हैं। उसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और अन्य योजनाओं के माध्यम से ये सभी रोजगार के क्षेत्रों को बढ़ाने का कार्य किया जाता है। जहाँ तक महिलाओं के रोजगार का विषय है, सरकार के रोजगार के कार्यबल को बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और जो नए लेबर कोड भी आए हैं उनके वेतन की समानता, उन कार्य दिशा, उन कार्य करने की त्रिपली में अनुमति, उन सब विषयों को सरकार ने पूरी तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास किया और उसके सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। श्री रायगा कन्या।